बहुत सारी दुकानें हैं रास्ते में, बिल्कुल एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी। यहाँ कपड़े वगैरह की दुकानें भी है। यह है मस्जिद जुमा और सामने है मस्जिद अलकुबा। यह दरख्त को आप लोग देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ मुसीहुल्लाह। आज मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आज सैटरडे है, तो हफ्ते के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा तक पैदल जाया करती थी, कभी ऊँटने पे कभी पैदल। तो ये सुन्नत है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद कुबा तक जाना, और एक पैदल रास्ता है। तो आज मैं जा रहा हूँ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद कुबा तक। तो आप लोगों के साथ कुछ मनाजिर शेयर करूँगा इस वीडियो में का रास्ता कैसे है। तो आप लोग वीडियो में हमारे साथ रहे, इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ मनाजिर शेयर करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते पे गई थे, इस रास्ते पे जाया करते थे। ये जो पैदल रास्ता है, ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 310 नंबर गेट से है। जब आप लोग बाहर आ जाए तो बाहर एक मस्जिद है, मस्जिद अलगमामा। ये वो मस्जिद है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल इस्तिस्का नमाज पढ़ी है। तो यहाँ से यह रास्ता जाता है सीधा मस्जिद कुबा तक। तो अब यहाँ से हम जाते हैं पैदल मस्जिद अलगमामा से थोड़े आगे। यहाँ पे बस स्टॉप है जो मदीना मुनव्वरा में मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करती है। तो ये बस स्टॉप है और बस स्टॉप से सीधा एक रास्ता जाता है मस्जिद कुबा। जब आप लोग इस रास्ते से जाते हो तो रास्ते में छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ पे काफ़ी वगैरह, चाय वगैरह मिलती है और आतर खजूर वगैरह। इस रास्ते में आगे बढ़ते हैं, आगे रास्ते जाते हैं, वहाँ शायद मार्केट भी है। आगे रास्ते में जब आप लोग जाएं तो बहुत सारी दुकानें हैं रास्ते में, बिल्कुल एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी। यहाँ कपड़े वगैरह की दुकानें भी है और ज्वेलरी भी है, ये आप देख सकते हैं। ये रास्ता है तो इससे हम जाते हैं सीधा इस साइड से। जब आप लोग रास्ते पे जाते हो तो रास्ते पे इस तरह के छोटे छोटे साइकिल और गाड़ी यहाँ पे किराया भी देते हैं जो बच्चे वगैरह जो है। यहाँ एक ग्राउंड भी है, इसके करीब एक ग्राउंड है, यहाँ ये देख सकते हैं बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं और खेलते हैं। तो यहाँ पे ये भी है। अब मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी वहाँ पहुँच जाओ, मगरिब नमाज के लिए मैं वहाँ मस्जिद कुबा पहुँच जाऊँ। तो अब जाते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं। ये दरख्त को आप लोग देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है और नेचुरल सा मौसम है अभी। माशाल्लाह मौसम भी बहुत खुशगवार है आज। रास्ते में एक मस्जिद है, ये मस्जिद जुमा कहा जाता है। ये वो मस्जिद है जिसमें पहला जुमा पढ़ाया गया है यहाँ पे इस मस्जिद में। ये है मस्जिद जुमा और सामने है मस्जिद अलकुबा। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंज़र है। आखिर में बस करीब है मस्जिद कुबा, सामने बिल्कुल मस्जिद कुबा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंज़र है ये वाला। फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया मस्जिद कुबा। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदल आया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है पैदल आना मस्जिद कुबा। तो मैं पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह इस रास्ते से। और ये है मस्जिद कुबा, ये आप देख सकती है, ये मस्जिद कुबा है। ये इस्लाम का पहला मस्जिद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ आया तो इस शहर से आया था। ये एक रास्ता है, इसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा यहाँ तारीख के हवाले से कि कैसे मस्जिद कुबा बनाया। इस्लाम का पहला एक मस्जिद है। तो अब यहाँ पर नमाज भी पढ़ते हैं, मगरिब नमाज का टाइम है, अजान होने वाला है। तो पहले आप अजान सुन लीजिए इस मस्जिद कुबा का, फिर नमाज पढ़ते हैं। व्यूअर्स, अब हमने नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह और वापस जा रही है मस्जिद नबवी ऐशा नमाज के लिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करें, कमेंट करें। मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।